बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाही चिकन डिलिशियस रेसिपी। और अगर आप बनाना चाहते हैं शादियों वाला परफेक्ट कोरमा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल मम्स धमाका रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चले आइए कोरमा बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, जो कि ये है चिकन। ये मैंने 1 kg लिया है और इसके साथ मसाले हैं जो मैरिनेट करने के लिए, वो ये हैं। लहसुन लिया है मैंने 1 tbsp, जिंजर ली है 1 tbsp, सोल्ट लिया है 1 tbsp, रेड चिली ली है 1 tbsp और धनिया लिया है 1 tbsp। सो ये मैरिनेट करने में जाएगा चिकन के। और मैंने यहाँ 3 अदद ऑनियन ली हैं, इनको मैं बारीक काट लूँगी। और ये 1 कप योगर्ट लिया है, और ये 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और ये खड़े मसाले लिए हैं, साबुत मसाले 2 तेज़पात हैं, और 5 अदद छोटी इलायची है, 5-6 लौंग हैं, 2 सिनेमन स्टिक हैं, और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। और ये मैंने बादाम भिगो दिए थे, 10 से 12 थे, ये हम उसमें भूनते वक्त डालेंगे कोरमे में। और ये 1 कप मैंने इसमें ऑयल जाएगा। तो चलें चिकन को पहले मैं मैरिनेट कर लेती हूँ, फिर मसाला तैयार करते हैं। सो चिकन को मैं मैरिनेट करती हूँ, इसमें ये मसाले जाएंगे। 1 tbsp सॉल्ट है, 1 tbsp ही ये रेड चिली है, और 1 tbsp ही इसमें धनिया है, ये जाएगा। और ये अदरक लहसुन जाएगा इसके अंदर, जो 1 टेबल स्पून है ये भी। सो इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है कोरमा। तो अभी रमज़ान में तो रोज़ों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है सहरी के टाइम पे, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर 2 प्याज जो थी मैंने इनको काट लिया है। तो चले हम फ्लेम ऑन करते हैं और इसमें ऑयल डालते हैं और अपनी प्याज को ब्राउन करते हैं। एक कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऑनियन डाल देंगे, ऑनियन ब्राउन करके निकाल लेंगे। फिर ऑयल गर्म हो गया हमारा, हम इसमें और ये ऑनियन डाल देते हैं। देखिए
रही है बिल्कुल। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में, इससे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसको हम प्याज को ये ब्राउन में भी जो है इसको हम फैला देंगे प्लेट में, ताकि क्रंची हो जाए, फिर ये आसानी के साथ इसको हम पीस सकते हैं। मैं इसमें ये गरम मसाला खड़ा जो है सब गरम मसाला डालूंगी, हल्का सा ये ब्राउन होने सोते करेंगे बस ऐसे हल्का सा इसे। इसमें अब हम चिकन ऐड कर देंगे, मैरिनेट हुआ हुआ जो हमने रखा हुआ था। ऐसे मसाले में भून लेंगे चिकन को अच्छी तरह। इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो इसमें हम ये प्याज को ऐसे फैला देते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। इसको ठंडे होने पे हम इसको पीसेंगे। ये देखे ना तो ये चिकन भुन रहा है, कोरमा हमारा भुन रहा है। इस स्टेज पे मैंने ऑनियन जो थी, प्याज जो थी, मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है योगर्ट डाल के, तो अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है यहाँ पर कोरमे की, बिल्कुल देगी स्टाइल है, बिल्कुल देगी जैसे देग शादियों में होता है, बिल्कुल वैसे बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। बस इसको भून लेंगे हम, अभी जो हमने दही डाला है और ऑनियन डाली है इसको भून के अच्छी तरह, फिर इसमें हम पानी शामिल कर देंगे।
जाए अच्छी तरह। इसमें दो चम्मच में इसमें पानी के लिए डाल रही हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। इसमें योगर्ट जो डाली है देखिए मैं भून गया बिल्कुल, इसका ऑयल ऊपर आ गया। इससे फिर मैं ये जो मैंने बादाम भिगो के रखे हुए थे वो डाल दूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी का सब्जी डालती हूँ ताकि भी अच्छी तरह चिकन इसका गल जाए। ये एक कप मैं पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि चिकन गल जाए इसके अच्छी तरह से। देखिए क्या कैसा बना है, बिल्कुल देगी जैसा। बस इसको हम थोड़ा सा ही पका लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए, फिर हम इसको रेडी करते हैं। इसे 10 मिनट के लिए मैं दम पे रखती हूँ। ये देखिए नाज़मीन, हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है तकरीबन। अब लास्ट में मैं इसमें ये केवड़ा डालूंगी। बस थोड़ा सी डालते हैं इसको, ज्यादा नहीं डालते नहीं तो कड़वा हो जाता है। ये एक टीस्पून डालूंगी केवड़ा और इसको ढक दूंगी 2 मिनट के लिए ताकि ये इसका अरोमा इसी में रहे। हमारा कोरमा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जिंजर डालूंगी। इसमें ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी डालूंगी ऊपर से। और ये जो गरम मसाला मैंने रखा था ये भी डालूंगी मैं इसे।
ये देखें नाज़िम, हमारा कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही आला खुशबू आ रही है और बहुत ही देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आप देख सकते हैं हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया, बिल्कुल शादियों के कोरमे जैसा है। अब हम इसको सर्व करेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। और आप इस कोरमे को बीफ और मटन से भी बना सकते हैं इसी तरीके से। ये देखें बहुत ही शानदार बना है, बन के तैयार हुआ है। तो चलो मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा शाही कोरमा बन के तैयार हो गया है। आप इसको गरम गरम रोटी और गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसको अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कोरमा कैसा बना। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।